ये चाय मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि ये चाय मेरे लिए कितनी कीमती है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी अलग तरीके का व्लॉग है क्योंकि आज मैं एक इवेंट में गया हुआ था, बिजली पासी किला, जो कि लखनऊ में है। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई पूर्व गवर्नर, अरुणाचल प्रदेश के वो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, श्री माता प्रसाद जी। और अभी मैं उन्हीं की गाड़ी से चल के उनके घर तक पहुँचा हूँ और उनसे थोड़ी सी एक चिटचट करते हैं, एक बात करते हैं, और फिर इनका जो कंप्लीट वीडियो होगा, एक कंप्लीट इंटरव्यू होगा, वो मेरे दूसरे चैनल पे पब्लिश होगा। तो मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत बड़ी बात है कि आज इतने बड़े शख्सियत के साथ मैं हूँ, और इस शख्सियत से मिलवाने का श्रेय पूरे तरीके से जाता है बेअदब जी को, बेअदब लखनवी जी। हाँ, पिछले वीडियो में आपने इनको देखा होगा, ये रहे बेअदब लखनवी और ये उनकी एकमात्र धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी मिश्रा जी हैं, और इन्हीं की वजह से आज हम उनसे मिल पाए हैं। तो आपको मैं मिलवाता हूं, और इसे मैं उनसे बाबूजी कहता हूं क्योंकि जब से उनसे मुलाकात हुई मैं उन्हें बाबूजी बोल रहा हूं। तो आपको मिलवाता हूं मैं बाबूजी से। तो बाबूजी आप बैठ जाइए, ये हैं बाबूजी, और ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आज पूर्व गवर्नर के साथ हूँ। मतलब इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता, और हर लोगों के नज़र में सफलता बहुत अलग अलग होता है, लेकिन मेरे नज़र में ये पहली सफलता है और बहुत बड़ी सफलता है कि मैं इतनी बड़ी हस्ती के साथ आज हूँ। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आज़ादी मिली थी तो उस समय की कुछ परछाई आपको याद है क्या? हाँ, बहुत सी याद है जी, बताइए। उस समय जो है, हम तो सन 46 में जी अध्यापक हो गए थे, तो उस समय जमींदारी का जमाना था। जमींदार के खेत का तो मालिक था ही, परती बंजर नदी तालाब रास्ता सब का मालिक था। जो लोग बचे थे, जो जिनके पास खेती नहीं थी, वो जमींदार के यहाँ बेगारी करते थे। हमने स्वयं भी बेगारी किया। ये अलग अलग जो कैप देख रहे हैं आप, ये अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जो जनजातियां हैं, तो ये उन्हीं की ये कैप है। और बाबूजी जब वहाँ पे एज ए गवर्नर थे तब उन्होंने वहाँ से ये चीज़ ले करके आए हैं, और आज भी अपने इस कमरे में इन्होंने सजा के रखा है। और आज गवर्नर के पद से फिर अब ये अपने रिटायरमेंट के जीवन को जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कई सारे किताबें लिखा, साहित्य में इनका बहुत ही ज़्यादा रुचि है। तो बाबूजी एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जब हमारे समय में तो कई अलग अलग तरीके के खेल हुआ करते थे, तो आपके बचपन में आप लोग किस तरीके का खेल खेलते थे? 9 साल में तो हमारे भाई ने एक लोअर प्राइमरी स्कूल में दाखिल करा दिया। वहाँ पट्टी करिका वाली हतुत्ती जाते थे, हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हम पढ़ने में इतने तेज थे कि एक साल में 2-2 क्लास पास कर गए। और समझिए कि उस समय चिट्ठी लिखाने के लिए कुछ लोगों के बम्बई कानपुर मजदूरी करते थे, तो 3-3 मेल से लोग चिट्ठी पढ़ाने और लिखाने आते थे। देखो ये आज हम फोन की दुनिया में जी रहे हैं, रही मैं ये रिकॉर्डिंग भी फोन से कर रहा हूँ, और बाबूजी उस दौर के हैं जब लोग 3 मील 4 मील 5 मील से अपनी चिट्ठी पढ़वाने और चिट्ठी लिखवाने आते थे इनसे, क्योंकि उस एरिया में जहाँ से ये हैं एक यही पढ़े लिखे थे इतने जो चिट्ठी लिख सकें और चिट्ठी को पढ़ सकें, और तहसील लेवल पे बाबूजी को वहाँ पे लोग चिट्ठी पढ़वाने और लिखवाने के लिए जानते थे। बाबूजी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ एक, कि जब आप छोटे थे तब आप खेलते होंगे कुछ, तो आप कौन सा खेल खेलते थे जब छोटे थे, तब बचपन में? हाँ, हम खेलते, देखिए
पतंगबाजी। क्या बात है। अच्छा अच्छा और उसके अलावा कबड्डी। क्या बात है, क्या बात है। कबड्डी और पहाड़ी एक खेल होता लुका छिपी वाला। अच्छा उस जमाने जैसे एक है वो ढूंढता था। अच्छा तो मैं 8 साल में 9 साल का था, गिर पड़ा हमारा पैर की हड्डी टूट गई। उस समय अस्पताल नए करवा एक गड़रिया थे। अच्छा उन्होंने पट्टी पट्टी बांध दिया कच्ची वाली कच्ची शराब का चुवाते थे और फिर मैं ठीक हो गया। अच्छा उस समय हमारे बिरादरी 6-7 साल में 8 साल में शादी हो जाती थी। 8-9 साल में हमारे शादी के लिए मतलब कि 8-9 साल में बाबूजी की शादी हो गई। अच्छा बाबूजी एक चीज ये बताइए कि आज मैं आपसे ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको मजा आ रहा है, आपकी आपको बचपन कुछ याद आया। आज मैं आपसे जब ये सारे सवाल किया तो आपको अपना बचपन याद आया क्या? बिल्कुल याद आया। अच्छा बचपन में जी मेरे शादी करने आए मुझको चलाया मैं लग रहा तो अगर वो कर लिया होता तो गवर्नर बन गए थे आगे जाके। एक बात और पता, जब मिडल में 6 में पढ़ रहा था मैं बड़ा देता मॉनिटर था, मेरा नाम उस समय मिताई राम था। मिताई राम, मिताई राम, क्या बात है। अच्छा ओ, तो हमारे जो मास्टर थे सूर्यपाल सिंह उन्होंने कहा तुम्हारा नाम ठीक नहीं है, उन्होंने रजिस्टर लगाया मिताई राम के आगे और माता प्रसाद कर दी। हमारे जितने सर्टिफिकेट मिताई राम और माता प्रसाद लिखा है, लेकिन बाद में मिताई राम हट गया, मैं माता प्रसाद हूँ। एक बात और, क्या बात है, स्कूल में नोट जो लिखा है हम अपना लिख लेते, एक हाथ बड़े करके लड़के थे उन्हें पीटे जाते थे तो उनका हम लिखते हमको ये खाना पैसा दे देता था उसके बदले उसका नोट लिख देते थे। और छुट्टी में 8 दिन राजगीर के साथ मधुरी पिटाई किया, छत की पिटाई किया, हम गरीबी मैं पैसा कुछ मिल गया। मैं लड़कों के किताब की जिल्द बांध देता था, दो आना लेता था, फिर उससे अबरी खरीदता था, घर नहीं बना जिल्द बांध कर दो आना, तो इससे हमारा पढ़ाई का खर्च। अच्छा उस समय का दो आना और अभी के 2-4 हजार मजा किस में है? उस समय दो आने की बड़ी कीमत थी। अच्छा बहुत कीमत थी साहब। अच्छा है नहीं ये दो आने में एक शेर चावल मिलता था 2 पैसे की, पावर दाल मिलती थी हम लाते थे, दो आने का चावल 2 पैसे की दाल घर भर खाते थे। अच्छा बाबूजी कंचा खेलते थे? कंचा कंचा खेलते थे, गोली खेलते थे बचपन में? गोली खेलते थे बचपन में। अच्छा तो हम दौड़। अच्छा कैसे खेलते थे गोली? बस कुछ नहीं केवल रंग रंग डालते थे। गोली 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 खेलते। कैसे खेलते थे बाबूजी कंचा? ऐसा है हमारे बड़े भाई थे वो गोली कौड़ी जुटा करके रखे थे तो हम उसको चुरा लेते थे, तीन में जब पड़ रहे थे जी। तो एक और लड़का था हम
दोपहर की छुट्टी एक जगह कौड़ी खेलते थे। एक रोज हमारे मौलवी साहब को पता चल गया, तो पढ़ाई में तो कभी लेकिन इतना मारे बहुत बहुत घर बताया जी का ये डब्बा अखरोट से पूरा भरा हुआ था, जो सबसे ज्यादा खाई है हमारी भाभी जी, ये होगा इन्होंने खाई है सबसे ज्यादा, और उससे कम ये खाए हैं और उससे भी कम मैं खाया हूँ, और इसमें से एक भी दाना नहीं लिए। डॉक्टर एसपी भास्कर साहब जो कि बाबूजी के सुपुत्र हैं और ये एडिशनल डायरेक्टर से रिटायर्ड है आज हेल्थ डिपार्टमेंट से, इन लोगों से मिलके रियली बहुत अच्छा लगा। और जो पीछे आप ये देख रहे हो बुक, ये कोई पोस्टर नहीं है, ये सारे के सारे बुक्स हैं, और जो यहाँ पे कुछ किताबें हैं ये सारी किताबें बाबूजी ने लिखा है। और बाबूजी ने बताया कि मैंने उनसे जब पूछा कि आपके जीवन का कोई और ख्वाहिश, क्योंकि आपने उस गरीबी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, अब आज पूरा घर अपनी अपनी जगह पर सेटल है, तो आपने के जीवन का कोई अंतिम इच्छा, तो बोले बस एक किताब लिख रहा हूँ उसको लिख लूँ। बाबूजी के सफलता के पीछे जो हैं वो ये रही, यही हैं बाबूजी के सफलता के पीछे की कहानी, जो बाबूजी को हमेशा से मोटिवेट करते रहीं। जब बाबूजी कुछ नहीं करते थे, जो ताने सुनाई जाती थी इनकी वाइफ को कि तुम्हारे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं तो तुम घर का पूरा काम करो, तो वहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने पूरा तरह से सहयोग किया जिससे कि परिवार आगे बढ़ पाए, बाबूजी आगे बढ़ पाए। कि बाबूजी बचपन में माताजी ज़्यादा पीटती थी कि पिताजी ज़्यादा पिटाई करते थे? माता माँ हमारी, हाँ माँ, हाँ माँ जो है जी कभी मजदूरी कर लेती थी। अच्छा। और घर का काम, हाँ जैसे बुहारा, हाँ जान एक बैल था, गोबर उठाना, उसका पाथना और सारा काम घर का करना, तो बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। महुआ बीन करके दो बून करके दोपहर को वही खाया जाता, हम पढ़ने जाते थे, बासी रोटी खाकर दिल में कुछ नहीं मिलता था, वैसे रह जाते। लेकिन पढ़ने में हम सबसे तेज थे, तो एक बात थी। और अब आज के समय में देखिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह उन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाता है, लंच भी दिया जाता है, लेकिन बाबूजी उस गरीबी में पढ़े और उस गरीबी में सुबह महुआ या बासी रोटी खा के जाना और पूरा दिन फिर कुछ नहीं खाना, तो ये कैसे उतनी गरीबी में पढ़े होंगे? तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जहाँ की आपको हम पूरा फुल वीडियो लेके आएंगे और बहुत ही रोचक बातें करने वाले हैं, आज़ादी से पहले की, आज़ादी के बाद की, बाबूजी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो शायद अभी तक ये भी कहीं ना कहीं उसको भुला चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं कुरेदने की कोशिश करूँगा, इनको याद दिलाने की कोशिश करूँगा। तो कई अन्य सवालों के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे, और हमारा जो नेक्स्ट चैनल है जहाँ पे ये इंटरव्यू आएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो बहुत जल्द बाबूजी के साथ इंटरव्यू आने वाला है, तो बने रहिए। थैंक यू।